दोस्तों आगे आपने वीडियो में देखा कि हम हमारे मोबाइल से हमारे स्मार्टफोन से जो स्विच है वो ऑन ऑफ कर रहे थे घर की, यानी कि एक लाइट की मैंने डेमो ही बताया है। तो यहाँ पे ये छोटे स्तर पर है, यानी कि डेमो है। चाहे तो आप ऐसे सभी स्विचों को भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि ऑन ऑफ कर सकते हो, और उसका जो बजट है वो बहुत ही कम है यार। और उसके लिए क्या क्या पार्ट चाहिए आपको वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मयूर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट रैम। तो दोस्तों चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने वीडियो में आगे देखा कि हम हमारे स्मार्टफोन से एक नॉर्मली जो हमारा बोर्ड होता है उसकी जो स्विच है उसको ऑन ऑफ कर रहे थे, मतलब कि मोबाइल से हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे, यानी कि स्मार्ट होम का ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। आपने देखा आगे, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सर्वो मोटर, एड्रेनो बोर्ड यानी कि माइक्रो कंट्रोलर, और फाइनली है हमारा ये ब्लूटूथ कंट्रोल जिसका नंबर है S05। और यहाँ पे कुल मिला के मुझे खर्चा कितना पड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ब्लूटूथ की प्राइस है तकरीबन 400 रुपये है इसके एड्रेनो के, और यहाँ पे ये जो सर्वो मोटर है उसके समथिंग रेट है उसका 300 रुपया। तो इतना मुझे कुल टोटल खर्चा पड़ा है। अगर आप चाहते हो कि ये सब मैं घर पर बनाऊँ इतने बजट में, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है और उसका जो पूरा डिटेल है वो आप आई बटन को क्लिक करके जो वीडियो आएगा उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि ये सब कोडिंग कैसे करना है। अगर आपने देखा होगा वीडियो आगे का इस सर्वो मोटर का, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कोडिंग किया है, एप्लीकेशन कौन सी यूज़ करनी है वो सभी डिटेल मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वायरिंग यहाँ पे देखना है कि मैंने कैसे वायरिंग किया है। उस वीडियो में हालांकि वायरिंग भी मिल जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये रहा हमारा सर्वो मोटर, और उसमें तीन वायर है, जिसमें येलो वाला जो वायर है उसमें से हमको क्या करना है, सिग्नल इनपुट करना है, यानी कि ये दाएं बाएं घुमाने के लिए। और फाइनली जो दो वायर बचे वो नेगेटिव पॉजिटिव है। इसी तरह से ये ब्लूटूथ कंट्रोल है, इसमें से चार वायर निकलते हैं, तो दो वायर है RX-TX के और दो वायर है पॉजिटिव नेगेटिव के। तो ये सर्वो मोटर के पॉजिटिव नेगेटिव और ब्लूटूथ के हमने यहाँ पैरेलल में कर दिया है इनपुट मदरबोर्ड में यहाँ पे, ठीक है, आर्डियोनो उनो में। बस ये वायरिंग हो गया। और यहाँ पे डिजिटल पिन की बात करें तो यहाँ पे 9 हमारे डिजिटल पिन है, और डिजिटल सिग्नल जो ये लास्ट वाला येलो वायर है वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वायरिंग है यार। और अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता है तो मेरे फेसबुक पे आप जो है वो फॉलो कर लो, और वहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ और वहाँ आपको इंस्टेंट आंसर का जवाब मिल जाएगा। तो आप है बिंदास उसमें कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे लाइव रहता हूँ, क्योंकि फ़ोन तो हमेशा साथ में रहता है, तो उधर क्या होता है कॉन्टैक्ट जल्दी कर पाते। तो मेरी गुजारिश है कि फेसबुक के जो पेज है हमारा स्मार्ट इंडिया, उसको आप लाइक कर लो और उसको फॉलो कर लो। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि हमने ये सब कैसे किया था, तो उसको हमने कैसे चिपकाया, ठीक है, सब कुछ हम देखते हैं।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा प्रोजेक्ट स्मार्ट होम का था तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में था बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।